आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये दिवस ऐतिहासिक दिवस है, एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का ये शुभ अवसर है। आजादी के जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न किया हो, जीवन न खपाया हो, यातनाएं न झेली हो, आहुति न दी हो। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को, हर त्यागी को, हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है, उनका ऋण स्वीकार करने का अवसर है और उनका स्मरण करते हुए उनके सपनों को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प लेने का भी अवसर है। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब अम्बेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। यह देश कृतज्ञ है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अनगिनत ऐसे हमारे क्रांति वीरों ने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी।